एक समय की बात थी, एक गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था और उसका नाम राजू था और वह एक अमीर सरपंच के कंपनी में काम करता था। सरपंच राजू से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते थे और यहां दूसरे लोग जो कंपनी में काम करते थे वह उससे जलते थे। एक दिन सरपंच ने राजू को अपने कार्यालय में बुलाया और पूछा, राजू इस महीने का हिसाब किताब बताओ। हुकुम, सारा खर्च निकालकर इस बार का मुनाफा 30 लाख हुआ है। इसे सुनकर सरपंच बहुत खुश हुए और पूछा, राजू इस महीने का मुनाफा पिछले महीने से 10 गुना ज्यादा हुआ है, ये तुमने कैसे किया? तब राजू ने बोला, हुकुम, इस महीने 15 ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने ओवरटाइम करके अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया और हम प्रोडक्ट्स को दुगना दाम में बेचे क्योंकि मार्केट में सप्लाई की कमी थी। वाह राजू, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की कद्र करता हूँ, इसीलिए मैं हर फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद हुकुम, सब भगवान की कृपा है। एक दिन सरपंच हमेशा की तरह गांव के लोगों से मिलने एक सुबह निकल पड़े और हमेशा की तरह राजू का बेटा रामू बीड़ में खड़ा था। सरपंच ने रामू से पूछा, रामू तुम बताओ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? रामू ने कहा, सरपंच जी, सोना और चांदी में सबसे ज्यादा कीमती चांदी होती है। सरपंच हंसते हुए रामू को चांदी का सिक्का देकर वहां से चले गए। एक दिन सरपंच ने राजू को अपने कार्यालय में अन्य कर्मचारियों के साथ बुलाकर पूछा, राजू तुम इतने बुद्धिमान हो और तुम्हारा बेटा रामू तो बेहद मूर्ख है, ऐसा क्यों? सरपंच की यह बात सुनकर राजू को अच्छा नहीं लगा और राजू ने सरपंच से पूछा, हुकुम, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? तब सरपंच ने कहा, मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा रामू भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से यह पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। सरपंच की यह बात सुनकर सारे कर्मचारी हंसने लगे और राजू को बहुत बुरा लगा। राजू बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर आते ही अपने बेटे को बुलाया और पूछा, रामू ये बताओ कि सोना और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पिताजी यहाँ तो बिल्कुल आसान है, सोना और चांदी में सोना सबसे ज्यादा मूल्यवान है। राजू ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है तो तुम क्यों सरपंच को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती धातु कहते हो, ऐसा क्यों? बेटे ने कहा, अच्छा अब मैं समझा आपने यह सवाल क्यों पूछा। फिर रामू ने बताया, पिताजी सरपंच रोज सुबह बाजार में आकर लोगों से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं जिनमें से 1 चांदी का होता है और 1 सोने का सिक्का रखकर सरपंच मुझसे पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज है वह तुम ले जाओ और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। इसे देखकर सरपंच हंसते हैं और चले जाते हैं। राजू ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब सारे कर्मचारी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पिताजी की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहाँ पर उसने एक पेटी खोली और कहा, पिताजी यह देखें, यह पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई है। इतनी सारी चांदी देखकर पिताजी हैरान हो गए। तब रामू ने कहा, पिताजी जो सिक्के सरपंच मुझे देते हैं ये सब वही हैं। जिस दिन मैंने सरपंच को सही उत्तर दे दिया तब सरपंच मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज 1 सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा नुकसान होगा। अगले दिन राजू ने अपने बेटे की चतुराई सरपंच को बताई और सरपंच राजू के बेटे की चालाकी से बेहद प्रभावित हुए। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।